अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चना दाल रेसिपी। और सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें मैंने ये चने की दाल डाल दी है। चने की दाल को मैंने 15-20 मिनट पहले वॉश करके भिगो दिया था पानी में। अब इसमें शामिल करते हैं जी पानी। ये इसमें पानी चला गया। अब स्पाइसेस इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1, 2, 3 3 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। चने की दाल जो है वो 2 कप ली थी मैंने। और अब इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून जो है वो मैं सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, वो मैंने डाल दिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद मैंने सब्ज मिर्च ले लिए, उनको मैंने बारीक काट लिए, वो डाल दिए मैंने। अब मैं प्रेशर कुकर को चला दूँगी 20 से 22 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया और अब आँच जला लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, चलें जी। जी प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया है, दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब बस ये पानी है, इसको थोड़ा सा हम दाल को और पकाएंगे ताकि थोड़ी सी और थिक हो जाए। जी दाल पक चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। इसको करती हूँ मैं चूल्हे दूसरे पे और इस चूल्हे पे हम इसका तड़का बनाते हैं। जी पैन में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और मैंने मीडियम साइज़ की 1 प्याज बारीक बारीक काट ली है। प्याज देखें हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, इसको भी थोड़ा सा इसमें ब्राउन करके तो हम इसको दाल में शामिल कर देंगे। जी तड़का रेडी हो चुका है, अब इसको मैं दाल में शामिल कर रही हूँ। प्याज को देखें मैंने बहुत डार्क ब्राउन नहीं किया, बस मीडियम ब्राउन किया, वरना अगर आप ब्लैकिश ब्राउन करेंगे तो फिर दाल में उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये रेडी हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी आज की मज़ेदार रेसिपी स्पाइसी चना दाल स्ट्रीट फूड स्टाइल हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे कि इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आए, और ऑल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वो उसको आप प्रेस करेंगे तो फिर ही सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।